दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की लेटेस्ट मूवी द पेंटर। यह कहानी एक ऐसे आदमी की होती है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत सारे गुंडों से लड़ जाता है, लेकिन क्या वो अपनी बेटी को बचा पाता है या नहीं, तो यह सब जानने के लिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। इस आदमी का नाम पीटर होता है। पीटर यहाँ पर अपनी पत्नी का स्केच बना रहा होता है, तभी उसके पास में एक आदमी आ जाता है जिसका पॉप नाम होता है, और हमें पता चलता है कि पीटर को पाल पोसकर पॉप ने ही बड़ा किया है। दरअसल आज से काफी साल पहले पीटर अपने पेरेंट्स के साथ में था, लेकिन उसके पेरेंट्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसी वजह से उसके पेरेंट्स की तो वहीं पर मृत्यु हो गई, लेकिन पीटर उस हादसे में जिंदा रहा। लेकिन पीटर के साथ में एक अजीब चीज हो गई, पीटर के कानों पर भी चोट लगी, लेकिन उस वजह से उसे बहुत तेज सुनाई देने लगा, उसे छोटी से छोटी आवाज सुनाई देने लगी। और उसी वजह से पीटर हमेशा अपने कानों में ईयरफोन रखता है ताकि उसे बस केवल लोगों की ही आवाज सुनाई दे, छोटी से छोटी आवाज सुनाई ना दे। बाद में पीटर यहाँ पर अपनी पत्नी एलेना से भी बात करता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और कुछ टाइम में वो एक बेबी को जन्म देने वाली है। और पीटर अपनी पत्नी एलेना को बताता है कि मैं बहुत जल्द घर आने वाला हूँ। यहाँ पर पॉप पीटर के लिए एक मिशन लेकर आया है। वह एक आदमी की फोटो दिखाता है और बताता है कि इस आदमी के पास में बहुत सारी जानकारियां हैं, ये जानकारियां वह अपनी घड़ी के अंदर रखता है और तुम्हें किसी तरह करके उस घड़ी को चुराना है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसकी घड़ी उस आदमी के हार्ट से जुड़ी हुई है, अगर वो आदमी मर जाता है तो उस घड़ी के अंदर से सारा डेटा अपने आप चला जाएगा। तो पीटर बोलता है कि यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने आप जानकारी निकाल लूंगा। और तब पॉप वहां से चला जाता है। और तब हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके पास में अहम जानकारी होती है, वह अपने लोगों के साथ में होता है। लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और उस जगह पर पीटर आ जाता है, और पीटर वहाँ पर आकर इस आदमी को किडनैप कर लेता है और उसके हाथ पर जो घड़ी होती है उसके ऊपर एक छोटा सा डिवाइस लगा देता है जिससे उस घड़ी का सारा डेटा कॉपी होने लगता है। लेकिन यहाँ पर उस आदमी के गुंडे भी होते हैं जो पीटर के ऊपर हमला कर देते हैं, और पीटर बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है, उसी वजह से वह गुंडों को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर इन गुंडों और पीटर के बीच में काफी देर तक यह लड़ाई चलती रहती है, और फाइनली पीटर इन सारे गुंडों को मार देता है और उस घड़ी का सारा डेटा कॉपी हो जाता है और उसे ले लेता है। लेकिन तब तक यहाँ पर CIA के लोग आ जाते हैं जिनमें एलेना भी होती है जो कि पीटर की पत्नी होती है क्योंकि वह CIA के अंदर काम करती है, और वह पीटर को बोलती है कि अपने हथियार नीचे रख दो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, आखिर तुमने यह सब क्यों किया। पीटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से वो गुंडा फिर से खड़ा हो जाता है और पीटर के ऊपर गोली चला देता है। यह गोली पीटर को तो लग जाती है, लेकिन पीटर के आर पार निकलकर एलेना को लग जाती है और उसी वजह से एलेना वहीं पर गिर जाती है। एलेना प्रेग्नेंट थी, एलेना को जल्दी से हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है, और हमें पता चलता है कि एलेना तो जिंदा थी लेकिन उसके बच्चे को एलेना से अलग कर दिया गया था। अब इस घटना को 17 साल बीत जाते हैं। हम पीटर को देखते हैं जो एक जगह पेंटिंग बना रहा होता है और वह बिल्कुल अकेला रहता है, एलेना उसके साथ में नहीं रहती। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक छोटे से बच्चे को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जा रहा होता है, तभी उसके पास में एलेना का कॉल आता है। एलेना बोलती है कि इस बच्चे को तुम यहाँ से ले जाओ और इस बच्चे की जान बचाओ, तो वह आदमी ऐसा ही करता है। लेकिन तभी वहीं पर घोष्ट नाम का एक आदमी आ जाता है जो हमेशा अपने कानों के ऊपर हेडफोन रखता है, और वो वहां पर आकर दूसरे आदमी को गोली मार देता है और इस बच्चे को खुद ले जाता है, और यह सब चीज एलेना को भी पता चल जाती है। वहीं पीटर को देखते हैं जो अपने घर में होता है। पीटर के पास में एक कोरियर आता है, लेकिन जब वह उस कोरियर को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 2 बुक्स होती हैं। पीटर को समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस काम की हैं, और हमें पता चलता है कि ये बुक्स पीटर की पत्नी की फेवरेट हुआ करती थी, और पीटर की पत्नी हमेशा बैकअप के लिए एक्स्ट्रा एक चीज रखती थी, और उसी वजह से उसने 2 किताब यहाँ पर भेजी है। अब पीटर इन किताबों को रख देता है और यहाँ से एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर लूसी नाम की लड़की इस पूरे रेस्टोरेंट को चला रही थी, और पीटर उससे बात करने लग जाता है। यहाँ पर लूसी पीटर को बताने की कोशिश कर रही है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अकेला नहीं रहना। तभी इस रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़की भी आ जाती है जिसके हाथ में पेंटिंग होती है, और वो यहाँ पीटर से मिलती है और बोलती है कि तुम्हारा नाम पीटर है, लेकिन पीटर बोलता है कि नहीं मेरा नाम मार्क है। तो यह लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और बताती है कि मुझे यहाँ पर मेरी मॉम ने भेजा था, और उसने मुझसे एक दिन कहा था कि अगर कुछ भी दिक्कत आए तो तुम पीटर नाम के आदमी को ढूंढना, शायद तुम पीटर ही हो। लेकिन पीटर बोलता है कि नहीं मेरा नाम मार्क है, और पूछता है कि तुम्हारी माँ का क्या नाम था। वो बोलती है कि मेरी माँ का नाम एलेना था, और बोलती है कि तुम पेंटिंग बनाते हो। तो वह बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन मैं तो मार्क हूँ, मैं पीटर नहीं हूँ। और पीटर इतना बोलकर वहां से चला जाता है। बाद में यहाँ पर सोफिया लूसी से मिलती है और पीटर के घर का एड्रेस निकाल लेती है, और जब पीटर अपने घर में होता है तब वहां पर सोफिया पहुंच जाती है। पीटर बोलता है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया, तो वह बोलती है कि मैंने लूसी से लिया है।
तो पीटर यहाँ पर सोफिया को साफ साफ बोल देता है कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ और ना ही मैं किसी एलेना नाम की लड़की को जानता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तो सोफिया भी एक्सेप्ट कर लेती है कि यह पीटर नहीं है, यह मार्क है। तो वह बोलती है कि मुझे अपना फोन चार्ज करना है, क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकती हूँ। तो पीटर उसे अपने घर के अंदर आने देता है और वो यहाँ पर पीटर की बनाई हुई पेंटिंग देखने लग जाती है। और वह यहाँ पर जब एक पेंटिंग को निकाल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसकी माँ की पेंटिंग है जो कि पीटर ने पहले बनाई थी। तो यहाँ पर सोफिया को पता चल जाता है कि ये असल में पीटर ही है जो मुझसे झूठ बोल रहा है। तभी यहीं पर कुछ CIA के लोग आ जाते हैं, तो यहाँ आते ही पीटर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पीटर सोफिया को बोलता है कि तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप जाओ, नहीं तो तुम मारी जाओगी। तो सोफिया ऐसा ही करती है। यहाँ पर 8 लोग होते हैं तो पीटर उन सभी से लड़ाई करना शुरू कर देता है। पीटर के पास में कोई बंदूक नहीं होती और CIA लोगों के पास में बंदूक होती है। पीटर उन्हीं की गन छीनकर उन्हीं को गोली मारना शुरू कर देता है और यह लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। ये 8 लोग पीटर के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन पीटर वो बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार है और उसी वजह से वह CIA के सारे लोगों को मार देता है। और फिर वह सोफिया के पास में जाता है और सोफिया को बोलता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, और वो सोफिया को लेकर यहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ एलेना ने जो उसे बुक भेजी थी, पीटर वो बुक भी अपने साथ ले जाता है। बाद में हम CIA के हेडक्वार्टर को देखते हैं, वहाँ पर एक चीफ होती है जिसका नाम नायोमी होता है और वहीं पर एक एजेंट किम भी होती है। उन्हें पता चल जाता है कि उनके 8 आदमी मारे जा चुके हैं और इस बात से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और वो बोलती हैं कि हमें पीटर को किसी तरह करके पकड़ना होगा। और वो लोग यहाँ से बायरन नाम के एक आदमी के पास में पहुँच जाते हैं जो कि काफ़ी बूढ़ा होता है। उसे बोलते हैं कि आपने पीटर को पाल पोस कर बड़ा किया है, आप उसके पिता हैं, तो हमें बताओ कि पीटर हमारे लोगों को क्यों मार रहा है, उसने एक बहुत ही क्लासिफाइड जानकारी चुराई है, और हमें यह भी बताओ कि इस वक्त पीटर कहाँ पर जा सकता है। तो बायरन बोलता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। और वह एजेंट किम और नायोमी इन दोनों को जाने के लिए बोल देता है, तो वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं पीटर और सोफिया को देखते हैं जो एक शॉप पर जाते हैं। यहाँ पर एक नाइल्स नाम का आदमी होता है। पीटर उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके पास भी कंप्यूटर होते हैं और बोलता है कि तुम्हें कंप्यूटर हैक करने आते हैं या नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम CIA का नेटवर्क हैक करो और उसके अंदर कुछ नाम सर्च करो। तो नाइल्स ऐसा ही करता है और उसमें एलेना और पीटर इनको सर्च करने लगता है। नाइल्स को यहाँ पर एलेना से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं मिलती और पीटर के बारे में ये जानकारी होती है कि CIA पीटर को पकड़ने में लगी हुई है। अपर इन्हें CIA के चीफ का भी पता चलता है जिसका बायरन नाम होता है, जो कि पीटर का पिता ही होता है। इसीलिए पीटर बायरन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो बायरन बोलता है कि ठीक है, हम दोनों एक जगह मिलकर बात कर सकते हैं। पीटर सोफिया को यहीं पर छोड़ देता है और उसे एक छोटा सा सिक्का देता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। सोफिया बोलती है कि मुझे बस मेरी मॉम को ढूंढना है। तो पीटर बोलता है कि तुम्हारी मॉम को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं CIA के लोगों को पता चल जाता है किसी ने हमारे नेटवर्क को थोड़ी देर के लिए हैक किया था और उसके अंदर पीटर, सोफिया और एलेना इन लोगों को सर्च किया था। शायद पीटर एक जगह अभी भी मौजूद है, हमें उसे ढूंढना होगा। वहीं हम उस हेडफोन वाले आदमी को देखते हैं जिसका गोश्त नाम होता है। वो पीटर के घर पर पहुंचता है जहाँ देखता है कि CIA के 8 लोग मारे गए हैं और पीटर यहाँ से फरार हो चुका है। और वह अपने आदमी को कॉल करता है और बोलता है कि पीटर तो यहाँ से जा चुका है, मैं उसके घर में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मुझे कुछ काम का मिल जाए। तो उसे यहाँ पर लूसी के रेस्टोरेंट का पता मिल जाता है। वहीं हम पीटर को देखते हैं जो यहाँ से बायरन को मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर पीटर सीधा मुद्दे की बात करता है और यहाँ पर बायरन से पूछता है कि वो लोग मुझे मारने के लिए क्यों आए थे। तो यहाँ पर बायरन बोलता है कि इस पूरे मिशन को नायोमी नाम की लड़की चला रही है और वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है और उसी ने तुम्हें मारने के लिए CIA के लोगों को भेजा है। उसे लगता है कि शायद तुम राष्ट्रीय संपत्ति के लिए खतरा हो, और नायोमी मेरे पास में भी आई थी, उसने मुझसे कहा था कि तुमने उसका कुछ चुराया है। तो पीटर यहाँ पर बोलता है कि सोफिया नाम की लड़की कौन है, उसकी मॉम का नाम एलेना है। तो यहाँ पर बायरन बोलता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, एलेना का जो बेबी था वो एक्सीडेंट के दौरान हॉस्पिटल में ही मर गया था, या शायद कोई और लड़की है जो तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। तो पीटर को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं और वो यहाँ से चला जाता है। हम लूसी को देखते हैं जो अगली सुबह अपने रेस्टोरेंट में आती है, तो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी हेडफोन लिए बैठा हुआ है जो कि घोस्ट होता है। और यहाँ पर घोस्ट लूसी को मारता है और पूछता है कि तुम्हारे यहाँ रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जो कि हमेशा पेंटिंग बनाता है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। लेकिन लूसी कोई एड्रेस नहीं बताती। तब घोस्ट यहाँ पर लूसी को गोली मार देता है। वही हम पीटर को देखते हैं तो सोफिया को बायरन के पास में लेकर आता है। तो बायरन सोफिया को देखकर बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और एलेना को अपनी मॉम क्यों बोलती हो, अगर तुम एलेना के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। तो यहाँ पर सोफिया एलेना के बारे में छोटी से छोटी जानकारी बता देती है। तो यहाँ पर बायरन को पता चल जाता है कि यह तो एलेना की बेटी सोफिया ही है। और सोफिया यहाँ पर बायरन को बोलती है कि मुझे बताओ
कि आखिर मेरी मोम के साथ में क्या हुआ है और वो कहाँ पर है, क्योंकि बायरन पहले CIA के अंदर चीफ हुआ करता था, अब वह वहाँ से रिटायर्ड है। इसीलिए बायरन यहाँ से CIA को कॉल करता है और उससे पूछता है कि एलिना नाम की लड़की के बारे में क्या जानकारी है, तो CIA के लोग उसे जानकारी बता देते हैं। और यहाँ पर बायरन सोफिया को बताता है कि तुम्हारी मोम की मृत्यु हो चुकी है, वो एक मिशन के दौरान मारी गई। तो इस बात से सोफिया का दिल टूट जाता है, वह बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह बोलने लग जाती है कि मेरी मोम ने मुझे पीटर के पास में क्यों भेजा, आखिर कोई तो वजह रही होगी, क्योंकि मेरी मोम ने मुझसे पहले यह कहा था कि तुम पीटर के पास सेफ रहोगी, तुम वहाँ जाओ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। तो पीटर को समझ में आ जाता है कि कहानी क्या है, और वह सोफिया और बायरन इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग यहीं पर रहो, मुझे एक काम करना है। और वो जल्दी से अपनी गाड़ी में आ जाता है और गाड़ी के अंदर जो बुक होती है, जो कि कोरियर के द्वारा उसके पास में आई थी, वह उस बुक को फाड़ने लगता है। तब उसके अंदर उसे एक पेन ड्राइव मिल जाती है, और यहाँ पर पीटर को समझ में आ जाता है कि एलेना उसे कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए पीटर यहाँ से सीधा नाइल्स के पास में जाता है। नाइल्स के पास में जाकर इस पेन ड्राइव को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहीं पर हेडफोन वाला आदमी आ जाता है। तो यहाँ पर पीटर और नाइल्स इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन पीटर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और अपनी पेन ड्राइव को भी ले जाता है, लेकिन नाइल्स वहीं पर रह जाता है और वह आदमी उस नाइल्स नाम के आदमी को गोली मार देता है। पीटर यहाँ से सीधा रेस्टोरेंट में आता है, तो उसे पता चलता है कि लूसी भी मारी जा चुकी है। पीटर के पास में जो पेन ड्राइव होती है वो एक लैपटॉप में डाल लेता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर इस पेन ड्राइव में है क्या। तो उसे यहाँ पर एक वीडियो मिलता है जिसमें एलेना बोल रही होती है कि CIA वाले यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन चलाते हैं, जिसमें वो लोग बाहर से बच्चों को पकड़ कर लेकर आते हैं और उन्हें ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चे केवल CIA के लोगों की बात माने, वो एक हथियार बन जाते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उन बच्चों के सुनने की क्षमता भी तेज हो जाती है और वो बच्चे फिर वो हर एक कहना मानते हैं जो CIA उन्हें ऑर्डर देती है। और ये यहाँ पर बच्चे काफी मात्रा में हैं और मैं इन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें मदद करनी होगी, तुम्हें हमारी बेटी की भी मदद करनी होगी, वो भी CIA के लोगों के जंगल में फंस चुकी है। और पीटर इस वीडियो को इतना ही देख पाता है, तब तक यह लैपटॉप बंद हो जाता है और पीटर अपनी पेन ड्राइव को निकालकर यहाँ से चला जाता है। पीटर यहाँ से बायरन के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे CIA के लोग आ चुके हैं और उन लोगों ने सोफिया को पकड़ लिया है और वो लोग सोफिया को ले जा चुके हैं। इस बात से पीटर को काफी दुख होता है, वह उन लोगों के ऊपर गोलियां भी चलाता है। यहाँ पर बायरन होता है, वो पीटर को बोलता है कि तुम उनका पीछा करो, और पीटर अपनी गाड़ी लेकर सोफिया की गाड़ी का पीछा करता है ताकि वो सोफिया को बचा सके। लेकिन वहाँ पर चारों तरफ से CIA के लोग आ जाते हैं और पीटर को घेर लेते हैं, पीटर की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाते हैं। लेकिन तब तक पीटर जंगल की तरफ भाग चुका था और उसी वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन CIA के लोग हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे। तभी पीटर के पास में एक बूढ़ा इंसान आ जाता है जो यही जंगलों के अंदर रहता है, और वो पीटर को एक जगह ले आता है और पीटर की जान बचाता है। पीटर को काफी टाइम बाद होश आता है, पीटर के पास में अभी भी वो पेन ड्राइव होती है। पीटर पूछता है कि क्या यहाँ पर कंप्यूटर है, तो वह बूढ़ा आदमी से कंप्यूटर देता है और पीटर इस पेन ड्राइव को उस कंप्यूटर में डाल लेता है और इस वीडियो को देखने की कोशिश करता है। लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर वायरस होता है, उसी वजह से वह पेन ड्राइव जलकर खाक हो जाती है और पीटर को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी पीटर को याद आता है कि उसकी पत्नी एलेना, उसने दो किताबें उसके पास में भेजी थी और वह हमेशा बैकअप के लिए एक चीज रखती थी, इसका मतलब उस दूसरी किताब के अंदर भी शायद पेन ड्राइव हो सकती है। और पीटर यहाँ पर उस बूढ़े इंसान को भी बता देता है कि मेरे पास इसका बैकअप है, इसकी एक कॉपी है। तो वह बूढ़ा आदमी यह सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है। वहीं हम सोफिया को देखते हैं जो CIA के हेडक्वार्टर में होती है, और नायोमी नाम की चीफ वहाँ पर उससे सवाल जवाब कर रही है। वह पूछती है कि आखिर तुम पीटर को कैसे जानती हो और तुम उसके घर में क्या कर रही थी, क्या उसने तुम्हें पकड़ कर रखा हुआ था, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। तो यहाँ पर सोफिया बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर वह बताती है कि मेरी मोम का नाम एलेना था, जो कि CIA की एजेंट थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी मोम को मार दिया। तो यहाँ पर नायोमी को पता चल जाता है कि यह तो एलेना की बेटी है, और वह एजेंट किम और बाकी लोगों को यहाँ से बाहर भेज देती है ताकि वह सोफिया से अकेले में पूछताछ कर सके। उसी वजह से सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एजेंट किम को जानकारी मिल जाती है कि पीटर यहाँ पर आने वाला है और वो अपनी बेटी सोफिया को बचाकर लेकर जाएगा। तभी यहाँ पर सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ की सारी लाइट चली जाती है और पीटर वहाँ पर आ जाता है। पीटर को बहुत तेज सुनाई देता है और उसी वजह से उसे छोटी सी छोटी चीज भी सुनाई देती है, इसलिए यहाँ पर पीटर आने वाले हर एक आदमी को मारता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। और अकेला पीटर ही यहाँ पर सारे एजेंटों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर नायोमी को डर लगने लगता है कि पीटर यहाँ पर आ चुका है, अब वह तुम्हें भी मार देगा। वही हम एजेंट किम को देखते हैं, उसे पता चल जाता है कि नायोमी बहुत ही गलत काम कर रही है, इसलिए मुझे सोफिया को बचाना चाहिए। और वह सोफिया को बचाने के लिए जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पिता आए हुए हैं और तुम्हें किसी तरह सुरक्षित यहाँ से जाना होगा, और वह किसी तरह सोफिया को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। वही पीटर को देखते हैं जो यहाँ पर CIA के एजेंटों को मार रहा है और वह बहुत सारे लोगों को मार देता है।
नाओमी भी यहाँ से एजेंट किम के पास में पहुंच जाती है और पूछती है कि तुम सोफिया को कहाँ पर ले जा रही हो। तो एजेंट किम बोलती है कि मैं उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रही हूँ। तब यहाँ पर नाओमी एजेंट किम को गोली मार देती है और सोफिया को खुद रख लेती है। वह पीटर को देखते हैं जहाँ उसके पास में घोस्ट नाम का वह हेडफोन वाला आदमी आ जाता है जो पीटर के ऊपर हमला कर देता है। पीटर उसे बार बार बोलता रहता है कि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है, तुम इस लड़ाई के बीच में मत घुसो। तो वह आदमी बोलता है कि जो मुझे ऑर्डर देता है मैं उसी का कहना मानता हूँ और वह पीटर को बहुत मारता है। साथ साथ वह यह भी बोलता है कि तुम्हारी पत्नी को मारने के पीछे मेरा ही हाथ है। तब पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वह एक लकड़ी की मदद से इस आदमी को मार देता है। और तब पीटर यहाँ से आगे बढ़ जाता है जहाँ हम नाओमी को देखते हैं जिसने वहाँ सोफिया को पकड़ के रखा हुआ है और पीटर भी वहीं पर पहुंच जाता है। नाओमी बोलती है कि चुपचाप अपने हथियार डाल दो नहीं तो मैं सोफिया को गोली मार दूंगी। लेकिन तब तक यहाँ पर बायरन आ जाता है। पीटर को लगता है कि बायरन उसकी मदद करेगा लेकिन नहीं। और यहाँ पर एक सीक्रेट से पर्दा उठता है। तो सोफिया नाम की लड़की है वो पहले से ही बायरन के साथ मिलकर काम कर रही थी क्योंकि बायरन ने उसको हिप्नोटाइज किया हुआ था। बायरन जो भी ऑर्डर देता सोफिया वहीं काम करती। तो यहाँ पर बायरन पीटर को बोलता है कि तुम्हारे पास वो पेन ड्राइव है वो हमें दे दो और अपनी बेटी को यहाँ से बचाकर ले जाओ। तो पीटर यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। वह बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। और साथ ही पीटर यह भी पूछता है कि मैं सोचता था कि एक्सीडेंट के दौरान मेरा बच्चा मर गया लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर बायरन बताना शुरू कर देता है और कहता है कि गोली लगने के बाद तुम्हारी पत्नी बच गई थी और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल सेफ था। उसे मैं ले गया था और मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे इस तरह बना दिया ताकि वो सारा मेरा ही कहना माने और उसी वजह से सोफिया मेरा ही कहना मान रही है। और आगे वह बताता है कि एलेना को पता चल गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसी वजह से एलेना इस चीज की और भी गहराई से जांच करने लगी। उसे यह भी पता चल गया कि उसकी एक बेटी थी जो अभी भी जिंदा है और उसको मैंने ही उठाया था, इसीलिए वो मेरे पास आई थी और मुझे मारने की धमकी दे रही थी लेकिन उससे पहले ही मैंने उसको मरवा दिया। और तब बायरन यहाँ पर सोफिया को गन दे देता है और बोलता है कि पीटर को गोली मार दो। तो सोफिया यहाँ पर पीटर की तरफ गन पॉइंट कर देती है। तब पीटर सोफिया को बताने की कोशिश करता है कि तुम तुम्हारी मॉम की तरह हो, उसी की तरह साहस हो, उसी की तरह मजबूत हो और तुम्हें मेरे ऊपर गोली चलाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पहचानना होगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन यहाँ पर सोफिया पहचान नहीं पाती और बायरन यहाँ पर सोफिया को बार बार ऑर्डर देता है कि इस आदमी को गोली मार दो। इस बात से सोफिया तंग आ जाती है और वह यहाँ पर नाओमी और बायरन इन दोनों को ही गोली मार देती है। और सोफिया पीटर को भी बोलती है कि आज मैं आपको छोड़ रही हूँ लेकिन अगली बार जब आप मुझे मिलोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगी। तो पीटर बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा कि तुम मुझे जल्दी ही मिलो। और सोफिया यहाँ से चली जाती है और नाओमी जिंदा होती है और वह मदद की भीख मांग रही होती है लेकिन पीटर उसकी कोई मदद नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। हम पीटर को देखते हैं जो अपने घर में होता है और वहीं हम सोफिया को देखते हैं जो पीटर की तरफ गन पॉइंट कर रखी है लेकिन वह पीटर के ऊपर गोली नहीं चलाती। और पीटर अपनी बेटी सोफिया को देखकर हंसने लगता है, यानी कि सोफिया CIA के अंदर काम करने लगी है लेकिन अब वह हर किसी के कंट्रोल से बाहर है। और इसी के साथ में यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों हम आपसे मुलाकात करते हैं और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।